दीपक बाबरिया जी, कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह जी, कांतिलाल भूरिया जी, अरुण यादव जी, राजमणि पटेल जी, सुरेश पचौरी जी, रामकिशन कुसुमरिया जी, स्टेज पे हमारे सब नेता, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत। और जो वहां पीछे सड़क पे लोग खड़े हैं, आपका भी यहां स्वागत। हां, ये देखिए, बड़ी बढ़िया फोटो है ये। ये आपने पोस्टर में लगा रखी है, मैं इसको देख रहा हूं। ये मोदी जी और अनिल अंबानी जी जो गले लगे हैं, बढ़िया फोटो है ये। इसको थोड़ा उस साइड घुमा के दिखाओ ये। हां देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती और सबने कहा, कमलनाथ जी ने, सिंधिया जी ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मगर ये मध्य प्रदेश के युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, मजदूरों की, गरीबों की भी सरकार है। और मैं यहां साफ कहना चाहता हूं, और मध्य प्रदेश का हर युवा, हर किसान इस बात को अच्छी तरह सुने और समझे, मालिक आप हैं, मालिक युवा और किसान है। और अगर कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीती है, अगर हम यहां सबके सब, अगर हम यहां इस स्टेज पे खड़े हैं, तो हम आपकी शक्ति के बल पर खड़े हैं। हम इस बात को नहीं भूलते हैं। और कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता इस बात को ना भूले, मालिक जनता है, ज्ञान जनता में है, हमारा काम आपका ऑर्डर सुनने का है। हम वो 56 इंच वाली छाती, उस सोच के लोग नहीं हैं। मैंने ये किया, 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 ना। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का कर्जा माफ राहुल गांधी ने नहीं किया, कमलनाथ ने नहीं किया, मध्य प्रदेश के किसान ने किया। और आपकी शक्ति ने, आपकी शक्ति ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया और आपकी शक्ति ने आपका कर्ज माफ किया। हमने सिर्फ आपकी शक्ति को जोड़ने का काम किया, आपकी आवाज को सुनने का काम किया और आपका आदर किया। और इसी प्रकार कांग्रेस का हर चीफ मिनिस्टर, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे वो गहलोत जी हो, बघेल जी हो, अमरिंदर सिंह जी हो, नारायण स्वामी जी हो, और आने वाले समय में एक के बाद एक प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर आएंगे, वो इस बात को नहीं भूलेंगे। और अगर वो इस बात को भूलेंगे, तो नया चीफ मिनिस्टर आ जाएगा।
और मैं खुशी से कहना चाहता हूं, देखिए मैंने 10 दिन की बात की, मैंने 10 दिन की बात की, मैंने कहा देखिए किसान की आवाज है, पूरे देश में किसान चिल्ला कर कह रहा है, चिल्ला के कह रहा है कि हमें कोई तोहफा नहीं चाहिए, हमें कोई फ्री गिफ्ट नहीं चाहिए, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। और किसान ने हमें कहा, और जो आप हमें कहते हो मैं कहता हूं, किसान ने हमें कहा कि अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए, नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए दिए, मेहुल चौकसी को 35,000 करोड़ रुपए दिए, विजय माल्या को 10,000 करोड़ रुपए दिए, ललित मोदी को 1,000 करोड़ रुपए दिए, हमारा कर्जा माफ क्यों नहीं होता है? और हमने आपसे कहा कि घबराइए मत, सुनिए, हमने आपसे कहा घबराइए मत, 11 दिन नहीं 10 कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, अब 10 गिनना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जैसे ही हमारी सरकारें आए, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कमल जाची से एक शब्द नहीं बोला, 6 घंटे के अंदर कमलनाथ जी ने जो वायदा किया था, हमने जो वायदा किया था वो हमने पूरा किया। नरेंद्र मोदी जी घबराए, मैं समझ गया हूं, नरेंद्र मोदी जी को डरा के आप कोई भी काम करा सकते हो। आप देखिए, मैंने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कर्जा माफ होगा, नरेंद्र मोदी कहते हैं ठीक है भैया, मैं भी किसानों के लिए काम करता हूं। लोकसभा में बीजेपी के एमपीज ने 5 मिनट ऐसे ताली बजाई, धड़ 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 धड़। मैंने सोचा भैया क्या कर दिया, मतलब ये 5 मिनट धड़ाधड़ सिंधिया जी सब बैठे हुए थे वहां पे, मैंने पूछा ये क्या कर दिया इन्होंने 5 मिनट। पता लगा 17 रुपए। अरे भाई 17 रुपए, नरेंद्र मोदी जी ने 17 रुपए दिन के हिंदुस्तान के किसान को पैसा दिया, 17 रुपए, और वहां धड़ाधड़ तापी ताली, धड़ाधड़ ताली, धड़ाधड़ ताली। एक तरफ 3,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ, और इधर 17 रुपए, और उसको फिर से डिवाइड करो तो एक व्यक्ति को 3.5 रुपए, 3.50 रुपए नरेंद्र मोदी ने दिया। वारे वाह, क्या कमाल का काम किया, मजा आ गया, मजा आ गया। लगाओ ताली, लगाओ भैया, लगाओ लगाओ बीजेपी के लोग, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। अरे 3.5 रुपए दे दी, 3.5 रुपए दे दिए, 3.5 रुपए दे दिए। इधर हम 1,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, उधर वो 3.5 रुपए की बात कर रहे हैं। धड़ाधड़ कर दिया भैया काम, कर दिया भैया काम। अच्छा भाई, अच्छा आज सुबह पता लगता है, अखबारों में आपने पढ़ा होगा, रक्षा मंत्रालय के अफसर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने राफेल मामले में डायरेक्ट बिना रक्षा मंत्रालय को बताए प्रधानमंत्री ने फ्रांस की सरकार से सौदा किया। रक्षा मंत्री का हर अफसर कहता है कि चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। अब कल शाम को चौकीदार जी आते हैं लोकसभा में, यूं खड़े होते हैं और भाषण देते हैं 1 घंटा 45 मिनट, और उस भाषण में नरेंद्र मोदी
एक मिनट के लिए राफेल की बात नहीं करता। डिफेंस सेक्रेटरी ने जो फाइल में लिखा कि नरेंद्र मोदी ने पैरेलल नेगोशिएशन किया और हिंदुस्तान की वायुसेना और हिंदुस्तान की रक्षा की नेगोशिएशन पोजीशन बिगाड़ी, रद्द की, उसके बारे में चौकीदार एक शब्द नहीं बोलता है। मगर देखिए भाइयों और बहनों, सच्चाई को नहीं छुपाया जा सकता है। आप टीवी देखते हो, 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी भाषण यूं देते थे, मैं 56 इंच की छाती वाला चौकीदार भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा, भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा। आज नरेंद्र मोदी भाषण यूं देते हैं, कांग्रेस पार्टी को मिटा दूंगा। अरे भैया कहां मिटाई? मध्य प्रदेश में सरकार बन गई, राजस्थान में बन गई, छत्तीसगढ़ में बन गई, दिल्ली में बनने जा रही है। और ये काम किसने किया? ये काम मैंने मध्य प्रदेश की जनता की बात की, मगर ये काम मैं बता रहा हूं आपको, ये काम कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, आप बब्बर शेर हो, बब्बर शेर हो आप लोग। ये काम जनता को जोड़ने का काम और हमें यहां स्टेज पे लाने का काम, कमलनाथ जी को चीफ मिनिस्टर बनाने का काम, उस काम को आपने किया है। और मैं कहना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं, कमलनाथ जी को बताना चाहता हूं और ये जो हमारे सब मंत्री बैठे हैं इनको भी बताना चाहता हूं, साफ बताना चाहता हूं कि देखिए यहां पे 15 साल आरएसएस ने, बीजेपी की सरकार ने प्रदेश को ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से, ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करके चलाया। कांग्रेस पार्टी प्रदेश को ब्यूरोक्रेट्स के बल पर नहीं चलाती है, कांग्रेस पार्टी प्रदेश को पंचायती राज के माध्यम से चलाती है, कांग्रेस पार्टी अपने मंत्री के दरवाजे, चीफ मिनिस्टर के दरवाजों को खोलकर जनता के थ्रू और हमारे कार्यकर्ताओं के थ्रू चलाती है। और मैं शिकायत नहीं सुनना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदेश की जनता, आपके लिए चीफ मिनिस्टर का दरवाजा और हमारे सब मंत्रियों का दरवाजा खुला मिलेगा। और जो हमारे लोकल बॉडी के नेता हैं, प्रधान, नगर पालिका के लीडर, आपको भी हम शामिल करके मध्य प्रदेश की सरकार चलाएंगे, क्योंकि यह प्रदेश आप सबका है, यह प्रदेश किसी एक संगठन का नहीं है, यह मोहन भगवत जी का प्रदेश नहीं है, यह मध्य प्रदेश के हर नागरिक का प्रदेश है। और हम आपकी आवाज शामिल करना चाहते हैं। किसान कर्जा माफ सिर्फ एक पहला कदम था। मैंने कहा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज का हम जाल बिछाने जा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में किसान के खेत के बिल्कुल पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट। आलू उगाते हो, आलू के चिप्स की फैक्ट्री, टमाटर उगाते हो, केचप की फैक्ट्री, सोयाबीन का तेल होगा, सोयाबीन का तेल, सोयाबीन उगाते हो, सोयाबीन के तेल की फैक्ट्री, सीधा आप जाके उसमें अपना माल बेचोगे। मध्य प्रदेश को हम कृषि का सेंटर बनाएंगे। युवाओं से कहना चाहता हूं,
हमारे लिए पहला काम, सबसे बड़ा काम आपको रोजगार देने का काम है। हिंदुस्तान चाइना से मुकाबला कर सकता है, मध्य प्रदेश चाइना से मुकाबला करेगा। और आज जो आप सेलफोन के पीछे मेड इन चाइना देखते हो, शर्ट के पीछे मेड इन चाइना देखते हो, उस पे 5-10 साल के अंदर आप मेड इन मध्य प्रदेश देखोगे, मेड इन भोपाल देखोगे, मेड इन इंदौर देखोगे। ये काम हम मिलकर करेंगे। आखिरी बात देश की बात करना चाहता हूं, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। और कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी निर्णय ले लिया है। हमने हरी क्रांति दी, आपके साथ मिलकर हरी क्रांति, सफेद क्रांति, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, लिबरलाइजेशन, मनरेगा, भोजन का अधिकार, इन योजनाओं ने देश को बदलने का काम किया। मोदी जी कहते हैं 17 रुपए दूंगा, मैं आपको बताता हूं लोकसभा के चुनाव को जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। ऐतिहासिक काम है। दुनिया के किसी भी देश ने, दुनिया के किसी भी देश ने यह काम नहीं किया है आज तक। हिंदुस्तान पहला देश होगा जो यह ऐतिहासिक काम करने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान अपने गरीब लोगों को गारंटी इनकम, मतलब गारंटी आमदनी देने जा रहा है। इसका मतलब हर गरीब व्यक्ति को आमदनी देने का काम, बैंक अकाउंट में पैसा डालने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। और भाइयों और बहनों, हम आपको 17 रुपए देकर आपका अपमान नहीं करने जा रहे हैं। अगर अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिया जा सकता है, अगर मेहुल चौकसी जैसे चोरों को 35,000 करोड़ रुपए दिया जा सकता है, अगर हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया जा सकता है, तो हिंदुस्तान की सरकार अपने हर गरीब को गारंटी इनकम का वायदा पूरा करके दे सकती है। मैं ये आपसे कहना चाहता था, आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में अपनी शक्ति से हमें चुनाव जिताया। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि जहां भी मेरी जरूरत हो, चाहे वो जमीन का मामला हो, किसानों का मामला हो, युवाओं के रोजगार का मामला हो, जहां भी मेरी जरूरत होगी, मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में आप मुझे बुलाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपका एक सिपाही दिल्ली में बैठा है और यहां पर आपकी आर्मी तैयार है। जो भी आप चाहते हो, मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के कमजोर लोग, गरीब लोग, आप हमसे मांगो, हम आपको देने के लिए काम शुरू कर देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।